इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बना लेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद पीएम मोदी ने कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगा। इस बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है, तो वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। युवाओं को भी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आज बजट पेश होगा, 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों की, और इस बार इस उम्मीद के बजट में क्या निकलने वाला है, पिटारे में से क्या निकलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना है। 5 साल का रोडमैप संभव है, विकसित भारत के लिए रणनीति संभव है, इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कदम संभव है, रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले संभव है, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, ग्रीन इकोनॉमी पर जोर रह सकता है, इसके अलावा मिडिल क्लास को क्या राहत मिल सकती है, नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा 50,000 से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ये देखना होगा, सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब पर नजर रहेगी इस पूरे बजट सेशन के दौरान कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होंगे। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर बढ़ाने की बात की जा रही है, टॉय लेदर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान संभव हो सकता है। इसके अलावा डीप टेक सेक्टर के लिए नई पॉलिसी संभव है, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर फोकस रहने की बात की जा रही है, हो सकता है कि इस पर फोकस किया जाए। शॉपिंग सेक्टर के अलावा भी तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए कई अहम फैसले संभव है। किसान और गांव पर फोकस होगा, लेकिन एक नजर आप डालिए इनकम टैक्स के स्लैब पर, जो पुरानी टैक्स की व्यवस्था है और जो नई टैक्स की व्यवस्था है। सालाना जिसकी इनकम 9 लाख से 10 लाख के बीच है, उनके लिए क्या टैक्स स्लैब था, और जिसकी 2 से 5 लाख सालाना इनकम है उनके लिए क्या टैक्स स्लैब, जिनकी 12 लाख से 15 लाख सालाना इनकम उन पर क्या टैक्स है, या 15 लाख के ऊपर की अगर किसी की सालाना कमाई है तो उस पर क्या टैक्स है, पुराना और नया, ये आप देखिए और समझिए। लेकिन इसमें कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल अगर देखें तो इंफ्रा रियल स्टेट पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। हाईवे के लिए 10 से 15% आवंटन बढ़ सकता है, 15,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का ऐलान भी संभव है, भीड़भाड़ वाले शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना संभव है, जरूरतमंदों को सस्ते घर मुहैया कराने पर भी फोकस किया जा सकता है। सरकार की योजनाओं के लिए कितना बजट पास होगा, कितना बजट रखा गया है, इस पर बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है। चुनाव के दौरान जो कुछ वादे आपने सरकार से सुने हैं, सरकार की जुबान से, नेताओं की जुबान से, उन पर कितना फोकस रहने वाला है इस बजट में, ये देखने वाली बात होगी। हेल्थ पर भी जोर दिया जा सकता है, जिसमें कि 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर भी ऐलान संभव है। ये संभावनाएं हैं कि ऐसा संभव है कि इन पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन 11 बजे के बाद ही ये पता चलेगा। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी आपने जो आज आप देखने वाले, क्योंकि 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 का अंतरिम बजट और अब पूर्ण बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे पहले भी निर्मला सीतारमण ने ही बजट पेश किया है, साल 2019 की बात हो या 2020 की बात हो या 21 की बात हो, 22, 23 और 24 के अंतरिम के अलावा पूर्ण बजट तक की बात हो, यहां पर निर्मला सीतारमण आपको हर तस्वीर में नजर आ रही होंगी जिन्होंने बजट पेश किया है। और आज भी निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करेंगी, और अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि एक ही फेस, एक ही फाइनेंस मिनिस्टर सातवीं बार बजट पेश करने वाली है। ऐसे में और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ रही हैं लोगों की, खासतौर पर महिलाओं की, कि महिलाओं के लिए इस पिटारे में क्या होगा, और
इसके अलावा न केवल महिला बल्कि युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है सरकार से, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में उम्मीद है। क्या होगा खास मोदी 3.0 के पहले बजट में, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। क्या टैक्स पेयर्स को राहत मिलने वाली है या फिर युवाओं के लिए कोई बड़े ऐलान है, इसके लिए थोड़ा इंतजार। और जनता को महंगाई पर क्या गुड न्यूज मिलने वाली है, ये भी हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 पर। पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम, सबसे पहले बजट में क्या कुछ है, बजट कितना खास होने वाला है, बजट में आम जनता के लिए क्या रखा गया है, विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे लगातार 11 बजे से। आप देखिए क्या क्या बदलाव बीते साल हुए थे, क्या बदलाव इस साल होने वाले हैं, बजट जब पेश किया जाएगा उस बजट से आम जनता को कितना फायदा कितना नुकसान, विस्तार से आपको बताएंगे। और अब ये मोदी के कार्यकाल के अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2015 से 2016, फिर 17, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 और 2024। आप देखिए अरुण जेटली ने भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, उन्होंने बजट पेश किया था, जिसके बाद आपने देखा 2019 से निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और अब तक उन्हीं के हाथ में देश का बजट। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या हलचल वहां पर, आप थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण के घर के बाहर मौजूद थे, अब आगे क्या डिटेल्स? जी देखिए, निर्मला सीतारमण फिलहाल अपने तय समय पर अपने आधिकारिक आवास 8:30 बजे वो अपने आवास से निकल गई पुलिस की सुरक्षा में। अब सीधे तौर पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय जाएंगी, जहां पर एक बार फिर से जो बही खाता है, जो तमाम दस्तावेज है, उनका पुनरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री के साथ एक फोटो सेशन होगा, जिसके बाद फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति, जो महामहिम राष्ट्रपति है, उनसे मुलाकात करेंगी और अपने बजट के बारे में जानकारी देंगी और उनसे इजाजत लेंगी कि इसको फिलहाल फिर संसद में पटल पर पेश किया जाए। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो इसको फिलहाल निभाया जाता है। अमूमन इस पूरी प्रक्रिया में एक से डेढ़ घंटे, जो 1.5 घंटे का समय है, हाँ, वो लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में और सीधे तौर पर जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा के आधार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद जरूर ये है कि जिस तरह मोदी सरकार जानी जाती है कुछ ना देने के लिए, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का शुरू से नारा रहा है, तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और साथ ही साथ अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इन तमाम सेक्टर्स के लिए कुछ बड़ा जरूर मोदी सरकार देने वाली है अपने इस बजट में। लेकिन ये उम्मीद है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए भी इस बार बजट में कुछ ना कुछ जरूर है। हालांकि मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके तरफ से कल जो अभिभाषण हुआ उसमें सीधे तौर पर यह बताया भी गया कि ये जो बजट होगा वो आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेगा, भारत को नई दिशा और गति देने वाला ये बजट होगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार टैक्स स्लैब में कितना अंतर देखने को मिल रहा है और होम लोन में, जो एक आम लोगों की बेसिक जरूरत है, तो क्या होम लोन में भी कुछ कटौती टैक्स में देखने को मिल रही है या नहीं। वही जो मार्केट इन्फ्लेशन है, GDP, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर किस तरह से बजट फिलहाल जो पेश किया जाएगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि रेलवे को लेकर और डिफेंस सेक्टर को लेकर इस बार बजट में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो हिस्सा होगा वो जरूर दिया जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 के कार्यकाल में इस बार घटक दल हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो घटक दल हैं और चुनाव के मद्देनजर उन राज्यों को भी इस बजट में शामिल किया गया है। लेकिन अब उन राज्यों को क्या कुछ विशेष पैकेज दिया जाता है इस बजट में, ये तभी पता चलेगा जब फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगी। लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि इस बजट में हर वर्ग को शामिल किया जाए, लेकिन महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी योजनाएं थी, अन्योदय योजना की बात करें,
चाहे हर घर नल योजना की बात करें, समृद्धि योजना की बात करें, कन्या योजना की बात करें, तो इन तमाम योजनाओं के तहत कहीं ना कहीं आम जनता को मजबूत करने की जो मोदी सरकार की कवायद है, उस दिशा में कुछ नए परियोजनाओं को भी और कुछ नई योजनाओं को भी मोदी सरकार जोड़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में 35% हिस्सेदारी को लेकर भी एक बड़ी कवायद देखने को मिल सकती है, ताकि भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करें और भारत में विदेशी कंपनियों के द्वारा निवेश की जो परिसीमा है, जो प्रक्रिया है, उसको बहुत आसान करने की दिशा में 80D का जो फॉर्म है उसको बहुत ज्यादा सरल बनाने की प्रक्रिया में भी वित्त मंत्रालय आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सुशील, और आज तक हम लोगों ने जो भी योजनाएं सुनी हैं सरकार से या जिन योजनाओं का फायदा उठाती है जनता, उन योजनाओं पर भी कितना ज्यादा जोर रहने वाला है वो इस बजट से पता चल जाएगा। इसके अलावा जो नई स्कीम सरकार की तरफ से जिनका ऐलान किया गया, चुनाव के दौरान भी हमने मंच से सुना, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि एक श्योरिटी मिल जाएगी इस बजट से कि इन योजनाओं की शुरुआत इसी साल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जरूर आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि कई राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो उन राज्यों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था कर रही है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम जनता को इस बार कहीं ना कहीं पटल पर रखा गया है, ये माना जा रहा है। जो तमाम जानकार फिलहाल बजट के हैं उनका यही कहना है कि आम जनता को इस बार बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है, लेकिन आम जनता को और मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इस बजट से कितना फायदा मिलेगा ये तब पता चलेगा जब वित्त मंत्री खुद बजट पेश करेंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा योजनाएं और उनको विकास के जो मार्ग है उस पर अग्रसर करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं इस बजट में उनके लिए कुछ विशेष पैकेज लेकर जरूर आएगी। किसानों के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी और किसानों को और ज्यादा समाज में आगे रखकर चलने की प्रक्रिया में भी इस बजट में तमाम चीजें शामिल की गई हैं। रेलवे और डिफेंस को लेकर जो प्राइवेट सेक्टर के आधार पर चीजें बढ़ रही हैं, उसमें बजट को बजट की इस प्रक्रिया में देखना होगा कि सरकार कितना रेलवे और डिफेंस को बजट देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पैकेज में डिफेंस सेक्टर को और मजबूत, सुदृढ़ और बहुत ताकतवर बनाने के लिए इस बजट में इस बार रक्षा मंत्रालय को कितना फिलहाल पैकेज दिया जाता है। हालांकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कई राज्यों में जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं, उन परियोजनाओं को और ज्यादा मजबूत और गतिशील बनाने के लिए, विकास के लिए, और चूंकि भारत से कन्याकुमारी जोड़ने की जो फिलहाल परिदृश्य है उसको और कितना मजबूत किया जाए, ऑल वेदर रोड तमाम पहाड़ों में और उन पहाड़ों को और कितना सुगम बनाया जाए आम जनता के लिए, इस दिशा में भी विकास की परियोजनाओं के आधार पर भी बजट में इस बार तमाम चीजें देखने को मिलेगी। नजर बनाए रखिएगा सुशील, कोई भी अपडेट होगा फौरन आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए कि आखिर बजट इस बार कितना खास रहने वाला है। उम्मीद है हर किसी को है इस बजट से, सरकार के बजट को लेकर सभी वर्ग को उम्मीद है। मध्यम वर्ग भी चाहता है कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ज्यादा फोकस करे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित तमाम महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बजट में प्रावधान करे। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी बढ़ाने की भी उम्मीद लोगों ने जताई है। महंगाई है, उसकी सबसे ज्यादा मार जो है वो मध्यम वर्गीय पर ही पड़ती है, और मध्यम वर्गीय होने के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें महंगाई पे ज्यादा ध्यान। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निर्मला सीतारमण को आप देख रही हैं, और अब वित्त मंत्रालय में एक मीटिंग, उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए बेहद ही अहम है। 11 बजे हालांकि बजट आज पेश किया जाएगा और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण ने तय समय पर मीटिंग और तमाम जो प्रोसीजर होता है उसे पूरा किया है। और ये देखिए ये लाल पिटारा जो है, अब क्योंकि आज पेपरलेस जमाना है, इससे पहले पेपर, तमाम तरीके के पेपर्स और तमाम जो फाइल्स हैं वो वित्त मंत्री की तरफ से लिए जाते थे, लेकिन अब पेपरलेस है। तो ऐसे में इस लाल पिटारे के अंदर देश के लिए, देश में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या है ये देखना बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। हालांकि 5 साल का रोड मैप
इस पिटारे में संभव है। विकसित भारत के लिए रणनीति इस पिटारे के अंदर संभव है। इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कदम इसमें संभव है। रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले इस पिटारे के अंदर संभव है। वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, संभावना जताई जा रही है। ग्रीन इकोनॉमी पर भी जोर रह सकता है। ये पिटारा खुलेगा 11 बजे और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर देश की जनता के लिए क्या फैसला लिया गया है। बजट के मद्देनजर नए टैक्स रिजीम में, टैक्स स्लैब में बदलाव की क्या कोई ऐसी आशंकाएं हैं, क्या कोई उम्मीद है, ये भी देखना अभी बाकी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा 50,000 से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ उम्मीद और संभावनाएं हैं जो जताई जा रही है बजट के पेश होने के पहले, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना बाकी है निर्मला सीतारमण का। मिलने के बाद संसद की ओर जाएंगी निर्मला सीतारमण, जिसके बाद आज बजट को पेश कर दिया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय के पास से। वित्त मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक और बातचीत का सिलसिला, जिसके बाद आज के इस पिटारे की तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए जो 11 बजे खुलने वाला है। और 11 बजे किसके लिए क्या खास होगा ये ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। न्यूज 18 आपको हर चीज विस्तार से समझाएगा कि आपके लिए इसमें क्या है, और कोई भी फैसला या कोई भी ऐलान जो सरकार की तरफ से किया जाएगा बजट पेश करने के दौरान किया जाएगा, तो इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। विस्तार से हर चीज 11 बजे से लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी 3.0 का आज पहला बजट पेश होगा, और उसके पहले ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखकर आगे जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। वित्त मंत्रालय में बैठक के बाद, वित्त मंत्रालय के बाद अब सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर निर्मला सीतारमण जाएंगी, और ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही और भी तस्वीरें, सीधी तस्वीर पहुंचाते रहेंगे आप तक, क्योंकि आज बड़ा दिन है। और आज एक बार पहले भी अंतरिम बजट पेश किया गया, लेकिन उसके बाद आज पूर्ण बजट क्योंकि पेश हो रहा है तो इसीलिए भी बहुत ज्यादा खास है। सातवीं बार निर्मला सीतारमण आज बजट जो है पेश करेंगी, और ऐसे में कई जो वर्ग के लोग हैं उनको उम्मीद है कि आज उनके लिए कुछ खास होगा। क्या इनकम टैक्स में कोई बदलाव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में आप आज का बजट देख रहे हैं। संसद में 11 बजे जिसे पेश किया जाएगा, और ये वित्त मंत्री का लगातार सातवीं बार होगा जब बजट वो पेश करेंगी। इस बार बजट में महिला, युवा, किसानों पर फोकस तो दिख सकता है, इसके अलावा मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है, कहा जा रहा है कि संभावनाएं हैं मिल सकती है। बजट से पहले तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है, उनको उम्मीदें हैं। इसके अलावा किसानों को भी बहुत उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके लिए भी कुछ घोषणाएं, कुछ ऐलान संभव है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि या सेविंग पर टैक्स छूट, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन तमाम चीजों को लेकर संभावनाएं हैं कि कुछ ऐलान हो सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से अब निकल चुकी हैं, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, अब सीधे वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में उनकी मुलाकात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जहां वो उन्हें विस्तार से बताएंगी कि आज के बजट में क्या है। और ये बहुत ही ज्यादा खास तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मोदी सरकार बनने के बाद जितनी भी बार बजट पेश हुआ है, किस किस ने बजट पेश किया, कौन कौन मौजूद रहा है, और देखिए किस तरीके से यहां पर अरुण जेटली के वक्त, अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब अरुण जेटली हालांकि हमारे बीच नहीं है, 2015, 2016, 2017 और 2018 की तस्वीर बहुत ज्यादा खास है। 2019 से तस्वीर बदली और अब तक वही चली आ रही है। 2019 में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, 2020 में भी आप निर्मला सीतारमण को देख रहे हैं, इसके अलावा 2021, 22, 2023 और 2024 की तस्वीर देखिए। निर्मला सीतारमण की ये पहली तस्वीर आ गई है, बजट निर्मला सीतारमण के हाथ में,
और देश की आधी आबादी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक महिला ही वित्त मंत्री है, तो उन्हें उम्मीद है कि शायद हमारे जेब खर्चों के बारे में जरूर वित्त मंत्री सोचेंगी। इसके अलावा युवाओं को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है रोजगार को लेकर, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाना है इस पर भी फोकस किया जा सकता है आज के इस बजट में। तो यह तस्वीर, सीधी तस्वीर